दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता? मुझे भी नहीं पता था, बट धीरे धीरे आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड नाउ, एंड दैट प्रॉब्लम इज फोकस, कंसंट्रेशन। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रुपेंद्र सिंह विद 3 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्टिल अ किड एट हार्ट, नेवर रेडी टू गिव अप, फादर ऑफ 2 कॉलेज गोइंग किड्स एंड मैरिड टू अ सुपर वुमन। आई लव चैलेंजेस, ट्रैवल एंड फन। Have fire in the belly and spread it around. अब जैसे ये वीडियो भी आप पूरा नहीं देखोगे, so what does mean? जितना आपने देखा वो भी टाइम वेस्ट किया। मैं आपको वो बात डिस्कस करने जा रहा हूँ, which is the most important in this world, is focus. In today's time of digital media and all, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इमर्ज हुई है वो है फोकस। एंड इसके लिए मैं सबसे अच्छी एग्जाम्पल जो आपको दे सकता हूँ, दैट इज स्वामी विवेकानंद एग्जाम्पल। स्वामी विवेकानंद जब बिल्कुल छोटे से थे, यू नो, तब से उनको बहुत ही पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, और वो इतने फोकस के साथ पढ़ते थे कि एक बार वहाँ से पूरी बारात निकल गई। वो बाहर बैठे पढ़ रहे थे लैम्प पोस्ट के पास, और वहाँ से पूरी बारात निकल गई। एंड ही डिड नॉट रियलाइज, वहां पे एक बंदा आया, उनसे पूछने लगा कि स्वामी जी, तब तो स्वामी जी, उनसे पूछने लगा कि क्या आपने यहाँ से एक बारात जा रही थी वो देखी किस तरफ गई, कब गई? सो स्वामी विवेकानंद सेड, मैंने कोई बारात नहीं देखी, कौन सी बारात की बात कर रहे हो? दैट इज द काइंड ऑफ फोकस ही यूज टू हैव। अनदर एग्जाम्पल विच कम्स फ्रॉम हिज लाइफ इज, एक बार वो अपने रूम में पढ़ते पढ़ते ऑलमोस्ट बेहोश हो गए, और उनको उनके फ्रेंड्स ने, उनको जब पता चला, उन्होंने जाके उनको हिलाया, उठाया, पानी के छींटे वीटे मारे, कुछ टाइम बाद वो होश में आए। स्वामी विवेकानंद जी ने ये रियलाइज किया कि वो 3 दिन से लगातार उस रूम में किताबें पढ़ते चले जा रहे थे, वो भूख प्यास सब भूल गए, वहां बैठे बैठे पढ़ते ही चले गए। So that is the kind of focus which is needed. So आज हर entrepreneur के लिए, हर student के लिए, हर इंसान के लिए सबसे बड़ी problem ये बन गई है। कभी हमें ये याद आता है, फिर हम 4 सेकेंड ये देखते हैं, फिर उसको छोड़ के कहीं कुछ और करने लगते हैं, फिर उसको छोड़ के कहीं और करने लगते हैं। So what is happening is we are not able to spend quality time on our focus area. For a student, it can be education. For entrepreneur, it can be work on his startup. We must do whatever we do. We should do it with full focus. आजकल पता है मैं क्या advice देता हूँ बच्चों को? बोलते हैं कि हमारा exam है so and so date पे, so मैं उनको बोलता हूँ all the best. लेकिन all the best से ज़्यादा क्या बोलता हूँ? Stay focused. That is what is needed. All the very best. Stay focused.